खबर लखनऊ से है, जहां मऊ का पुराना औद्योगिक संकुल जो कई दशकों से बंद है, ये अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। मंत्री एके शर्मा के प्रयासों को प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकार करने पर कई वर्षों से बंद पड़ी परदहा कॉटन मिल का 85 एकड़ जमीन पर औद्योगिक संकुल का विकास होगा, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। वहीं मंत्री शर्मा ने कहा है कि ये मऊ जिले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मऊ जिले की पहचान कहीं जाने वाली परदहा कॉटन मिल और स्वदेशी कॉटन मिल थी, जो कि पहले के सरकारों की उपेक्षा का शिकार होकर कई वर्षों से बंद पड़ी थी। वहीं परदहा कॉटन मिल की 85 एकड़ जमीन पर औद्योगिक संकुल के विकास के लिए कई महीनों से राज्य सरकार में विविध स्तर पर प्रयास किया गया। अब इसकी सारी औपचारिकता पूर्ण हो गई है। वहीं लगभग 48 करोड़ रुपए के खर्च से एक भव्य औद्योगिक पार्क MSME क्लस्टर बनाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। इस जमीन पर 8.5 करोड़ रुपए की देनदारी को भी सरकार ने माफ कर दिया है। वहीं मंत्री एके शर्मा ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसका उन्होंने शिलान्यास किया है, वहाँ एक MSME क्लस्टर पार्क बनाने का, और जो कैबिनेट ने मंजूरी दिया था उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि उस लगभग 85 एकड़ परदहा कॉटन मिल की जमीन पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य MSME क्लस्टर बनाने का विचार है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मऊ की जनता को, मऊ के लोगों को, मऊ के युवाओं को जिनको उसमें विशेष करके रोजगार मिलना है, मऊ के बुनकरों को जिनको सूत जो है यहाँ वहाँ से लेने के लिए या अन्य उनकी जो बातें होती थी, और चूंकि ये नया औद्योगिक संकुल बन रहा है तो कई बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं जो सभी बुनकरों के या सभी कताई करने वालों के काम आएगी, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा।